सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको तीन ऐप्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि कहीं ना कहीं हमारे पीडीएफ के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। और इनकी खासियत ये है, ये तीनों ही ऐप फ़ोटो का टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। लेकिन इन तीनों की विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा अंतर तीनों का बताने वाली हूँ। जी हाँ, इन तीनों के ऐप्स के नाम हैं, नंबर 1 स्पीक, नंबर 2 कीबो और नंबर 3 सेलेवन। तो जो स्पीक है उसमें ये खासियत है कि ये टेक्स्ट को बड़ी जल्दी पढ़ लेता है, कैच कर लेता है और पढ़ करके आपको सुना भी देगा। उसके बाद आप चाहें तो फ़ोटो में से टेक्स्ट को इरेज भी कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट को अलग करके आप किसी और के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो उस समय में जो भी आपके पास फ़ोटो है वो नहीं जाएगी, फ़ोटो नहीं जाएगी, केवल टेक्स्ट जाएगा। तो एक काम तो ये आसान हो जाता है इस ऐप में, और ये पीडीएफ भी पढ़ देता है। दूसरा जो कीबो है, कीबो के बारे में आप अच्छी तरह जानते ही हैं, MP3 फॉर्मेट को भी सेव कर लेता है वो, और फ़ोटो भी पढ़ के बता देता है, लेकिन जो इसमें शोर होता है वो डिस्टर्ब कर सकता है किसी को भी, और बाकी चीज़ों पर भी प्रकाश डालता है, PDF वगैरह भी पढ़ के बताता है, ऐसी बात नहीं है, और चीज़ों को शेयर भी करने में सक्षम है, लेकिन थोड़ा देर लगाता है। और तीसरी चीज़ है सेलेवन। इसमें खासियत ये है और कमी भी है, दोनों चीज़ें बताऊंगी। तो इसमें खासियत ये है कि ये फ़ोटो को पढ़ के तो बताता ही है, लेकिन ये फ़ोटो पर डिस्क्राइब भी करता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको फ़ोटो भेजी, आपने इसको देखा और इसमें शेयर किया, तो टेक्स्ट को तो वो पढ़ के बताएगा ही। दूसरी चीज़ ये भी बताता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसी फ़ोटो भेजी तो उसमें ये भी बताता है, जैसे एक व्यक्ति लाल टोपी पहने खड़ा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें भी ये बताता है, मतलब फ़ोटो को डिस्क्रिप्शन भी देता है। तो सबसे उम्दा बात तो यही है। दूसरी बात, जब PDF ये पढ़ता है, टेक्स्ट तो बड़ी जल्दी पढ़ देगा, लेकिन जब PDF पढ़ता है तो हैंग करता है, जल्दी लोडिंग नहीं उठाता और दिक्कत पैदा होती है, और कीबो में ये दिक्कत नहीं होती, और स्पीक में तो फ़ोटो डिस्क्रिप्शन करके बताता ही नहीं है, केवल उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट ही बताता है वो बस। और जो कीबो है वो भी ऐसा ही है कि वो टेक्स्ट को जो है पढ़ के बताएगा, लेकिन फ़ोटो को डिस्क्रिप्शन करके नहीं बताता। मैंने कई बार कोशिश की है, नहीं बताता, लेकिन सेलेवन ऐप बताता है, और उसमें वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा है। लेकिन मेरे तो सुझाव यही है कि आप लोग वीडियो कॉलिंग को अलाउ ना करें, कुछ चीज़ें हैं उसमें जो कि अलाउ करने योग्य नहीं हैं। तो आप लोग इन ऐप्स को इंस्टॉल करके देखें और इनका फ़ायदा क्या क्या है उस हिसाब से यूज़ करें। धन्यवाद।